बजकर 35 मिनट पे प्रेम गीत थ्री का नेपाली में आई है, लैंग्वेज नेपाली में। हिंदी डब कब मिलेगा? विंडो नहीं मिलेगा, पहले मूवी है हिंदी डबिंग लगाया है हम लोग। हमें भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखे प्रेम गीत थ्री बेकार मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आइए देखिए सब। हम सबसे पूछते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा फिल्म देखिए। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में गोरखा ब्लॉग जाने वाला है तेजपुर नेपाली फिल्म प्रेम गीत थ्री देखने के लिए, एंड इसका रिव्यू भी देने वाला हूं। ऑडियंस से भी हम लोग पूछेंगे कि ये फिल्म कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में नेपाली फिल्म हिंदी में डब होकर आ रहा है, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि आखिर नेपाली फिल्म अगर हिंदी में डब होता है तो वो कैसा होता है। देखते हैं दोस्तों एंड मिलते हैं सीधा तेजपुर। तो दोस्तों फाइनली एक घंटा राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए तेजपुर मेन चौक। दोस्तों देख सकते हैं पहुंच जाएंगे 2:25 से फिल्म स्टार्ट होने वाला है, तो हमें देखना है प्रेम गीत थ्री। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपका भाई प्रेम गीत थ्री देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के नेपाली फिल्म में रिलीज हो रहा है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। देखेंगे एंड रिव्यू भी देंगे, लोगों को भी पूछेंगे कि उन लोगों को फिल्म कैसा लगा। देखा हमें सिर्फ ब्रह्मास्त्र प्रेम गीत 2:35 को है ये रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं 2:35 पे प्रेम गीत थ्री नेपाली 2D में मिलेगा। डायमंड का जो मतलब प्रेम गीत थ्री का डायमंड का कितना चाहिए आपको, मोबाइल नंबर बताइए। 9 नेपाली में है, ये डब नहीं है, हिंदी में डब नहीं है, नेपाली में है। नहीं हिंदी डब वाला चाहिए, हिंदी डब वाला चाहिए। नहीं नेपाली में है, ये लैंग्वेज नेपाली में है। हिंदी डब नहीं है, आपको शायद IMP में मिलेगा। शे प्रेम गीत थ्री है लेकिन क्या करे यार, नेपाली में डब है, हम लोग हिंदी डब में देखने जाते हैं। अच्छा पूछेंगे कब आएगा हिंदी डब, कब मिलेगा? विंडो नहीं मिलेगा, नहीं नेपाली में ही है, हिंदी डब नहीं आएगा। फाइनली हम लोग बहुत सारे सिनेमा हॉल में जाने के बाद हमें प्रेम गीत थ्री वाली फिल्म जो है हिंदी डब में नहीं मिला था, एक्चुअली हमें नेपाली में मिला था, लेकिन हमें यहाँ पे मैंने बुक माई शॉप पे चेक किया था तो मुझे एक और सिनेमा हॉल तेजपुर पे दिखा जिसका नाम है गोल्ड सिनेमा हॉल, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि वो शाम को 7:45 पे ही वो शुरू होगा, एंड फिलहाल अभी हम लोग है तेजपुर पे, अभी टाइम बज रहा है लगभग 4:30 ना। फिर भी आप लोगों के लिए ओनली फॉर यू गाइस, आप लोगों की डिमांड के लिए, आप लोगों के लिए हम लोग घर जाके फिर दोबारा 7:30 तक हम लोग गोल्ड सिनेमा हॉल पर पहुँच जाएंगे। पहले मूवी है हिंदी डबिंग लगाया है हम लोग, हिंदी डबिंग लगाया है। 7:45 को आज होगा, आज का है। कल कितने बजे भी होगा? और कल 1:30 को होगा। 1:30 का फिक्स्ड है, 1:30 होगा, मतलब शेड्यूल अभी तक हम लोग का रात को बनता है ना, अभी कंफर्म नहीं बता सकता। अच्छा पिंटू भाई तुम मेरे को एक बार बोल दो, हाउ यू आर एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी इन हिंदी? तो देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब बहुत एक्साइटेड, क्योंकि पहली बार नेपाली फिल्म जो हिंदी में डब होकर आया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सिनेमा में गए लेकिन वहाँ पे नेपाली डब ही है, तो इसलिए हम लोग इतना मेहनत करके आए, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, जब तो ऐसे वापस नहीं जाएंगे, आप लोगों को इसका रिव्यू जरूर देंगे। 7:45 को स्टार्ट होगा, तो रिव्यू आप लोगों को जरूर देंगे कि फिल्म कैसा है, तो इसलिए हम लोग आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, चाहे हम लोगों को जितना मेहनत करना पड़े। हम लोग जाएंगे घर फिर भी वापस आएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी टाइम बच चुका है 4:46। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी टाइम बच चुका है, 8 पार हो चुका है, हम लोग को पहले ही जाना था। हम लोग नहीं आ रहे थे ना, और जाइए। प्रेम मेरा नाम है। दोस्तों अभी इंटरमेशन हो चुका है, एंड पिंटू भाई एंड मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, कुछ खा लिया था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं। दोस्तों देखे प्रेम गीत थ्री डब इन हिंदी, एंड दोस्तों मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखे प्रेम गीत थ्री। फाइनली हम लोग प्रेम गीत थ्री जो कि एक नेपाली मूवी है वो देख के आए हैं। मूवी ओवरऑल बहुत हमें अच्छा लगा, कई बात बोले हमारे पीछे कुछ लोग देख के आए हैं, उनसे थोड़ा पूछने की कोशिश करते हैं। पिंटू भाई तुम्हें देख के कैसा लगा? मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छा लगा। चलो इन लोग से रिव्यू लेते हैं। बेकार मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आइए देखिए सब, हम चाहते हैं कि देखिए आप, देख के बोलिए, बिना देखे मत बोलिए कि क्या है क्या नहीं है, एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा है। रात का समय था तो ऑडियंस थोड़ा कम हुआ जी। तो आप लोगों ने सुना भैया को भी बहुत अच्छा लगा फिल्म, हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ अगर आप दिन के टाइम में होता तो आप लोगों को काफ़ी सारे लोग दिखाई देते, लेकिन अभी रात का वक्त इसीलिए लोग उतना नहीं है, लेकिन हाँ फिल्म बहुत अच्छा है, आप लोग भी देखिए नज़दीकी सिनेमा हॉल पर जाके, फिल्म बहुत ही अच्छा है, आप लोग खुद कह सकते हैं। तो भैया से हम लोगों ने जान चुका, भैया को अच्छा लगा, तो हम लोग अभी भैया का
तो आप लोगों ने सुना सबको फिल्म अच्छा लगा क्योंकि हाँ बस एक हीरो का नाम पूछे एक बार हीरो का नाम पता है प्रदीप पूरा नाम बोलिए एंड हीरोइन आपने आप लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी बेहतर था या ठीक ठाक ओवर है एंड थैंक यू। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग एक फिल्म देखेंगे और आप लोगों को फिल्म के बारे में बोलेंगे इसका रिव्यू देंगे तो आप लोगों ने सुना है कि फिल्म बहुत अच्छा है तो आप लोग भी नज़दीकी सिनेमा हॉल पर जाइए आप लोग देखिए प्रेम गीत 3 बहुत ही अच्छा मूवी है क्योंकि नेपाली मूवी जो है इंडिया में पहली बार हिंदी डब हो के आया है तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो अभी तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग पर तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय लव यू जय हिंद जय भारत लव यू ऑल।